हे फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं इस हेलमेट माउंट का, जिसकी मदद से हम अपना स्मार्टफोन हेलमेट पर माउंट कर सकते हैं और मोटो व्लॉगिंग शूट कर सकते हैं, वो भी अपने स्मार्टफोन से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में हमारे पास डिलीवर हुआ है, और सबसे बढ़िया बात, अमेज़न ने इसे बस 12 आवर्स में ही अपने पास इसे डिलीवर कर दिया है। तो जल्दी से खोल लेते हैं इस पैकेज को। ये हेलमेट माउंट हमें इस तरह के पैकेट में मिला है। मुझे ये पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा बेसिक लगी, इसकी वजह से शिपिंग के वक्त ये हेलमेट माउंट डैमेज भी हो सकता है। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले ये चिन स्ट्रैप, इसी के ऊपर मोबाइल होल्डर माउंट होगा। ये हमारे हेलमेट माउंट का बेस है और इसके पीछे की तरफ इस तरह की ग्रिप है ताकि ये अपनी जगह पे बने रहे, और ये सॉफ्ट रबर से बना हुआ है जिससे हेलमेट पर स्क्रैचेस नहीं आएंगे। और उसी के साथ है एडजस्टेबल माउंट, और इन दोनों को जोड़ने के लिए ये स्क्रू, और लास्ट में है ये मोबाइल होल्डर जिसके अंदर की तरफ सॉफ्ट कुशनिंग दे रखी है ताकि मोबाइल में स्क्रैचेस ना आए। और ये हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है इसलिए काफ़ी मजबूत भी है। तो चलिए जल्दी से इसे असेंबल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लग गया है। अब इसे स्क्रू लगा के टाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इस पोजीशन में टाइट हो चुका है, अब ये सही लग रहा है। अब इस मोबाइल होल्डर को भी अटैच कर लेते हैं। इसे बस स्क्रू से जोड़ लेना है और घुमा करके टाइट कर लेना है। ठीक है, ये लग गया, और अब ये बिल्कुल तैयार है हेलमेट पे लगाने के लिए। इस माउंट को हेलमेट से अटैच करना बहुत ज़्यादा इजी है। इसके ऊपर जो स्ट्रैप लगे हैं उनके ऊपर क्लिप है जिन्हें हमें नीचे के स्ट्रैप से जोड़ लेना है। पहले हम इसे सही से अलाइन कर लेते हैं। सो ये जो क्लिप आपको दिख रही है, इन्हें बस ये नीचे वाले स्ट्रैप से जोड़ देना है। और ये हमने स्ट्रैप पूरा टाइट कर दिया इस पे, और ये लग गया क्लिप। ओके, ये अटैच हो गया अब हेलमेट से। इसे मैंने काफ़ी अच्छी तरह से टाइट कर दिया है और ये ज़्यादा मूव नहीं कर रहा। अब जल्दी से इस पर मेरा फ़ोन अटैच करके देखते हैं कि ये कितना स्टेबल है। तो ये देखिए, मैंने अपना फ़ोन इस हेलमेट पर माउंट कर दिया है। अब जल्दी से चलते हैं आउटडोर और करते हैं कुछ वीडियो शूट। और ये दोस्तों, हम आ गए बाहर और ये वीडियो शूट हो रहा है इस हेलमेट माउंट की मदद से। इसमें मैंने अटैच किया है मेरा आईफोन 11, और मैं मेरे आईफोन के स्टॉक माइक्रोफोन से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल माइक नहीं कनेक्ट किया है मेरे आईफोन से। और हम अभी ऑफ रोड से चल रहे हैं, और ये हेलमेट माउंट मुझे स्टेबल लग रहा है, और मुझे अपने आईफोन के स्टेबलाइजेशन पे पूरा भरोसा है। मुझे पता है इससे बहुत ही बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड होने वाला है। और जहाँ तक हम विजिबिलिटी की बात करें, तो मुझे सामने सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही है। ये फ़ोन कहीं से भी मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। सो हेलमेट के सामने फ़ोन लगाने से मुझे मेरा हैंडल बार नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सामने की सारी चीज़ें विजिबल है जैसे नॉर्मल एक हेलमेट से होती है। और इस माउंट को लगाने से ये हेलमेट ज़्यादा हेवी भी नहीं लग रहा है, जैसे पहले था वैसे ही फील हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे आईफोन को एज एक्शन कैमरा भी मैं यूज़ कर सकता हूँ और अपने हेलमेट पे लगा सकता हूँ। लेकिन इस हेलमेट माउंट पे स्मार्टफोन के साथ साथ आप GoPro भी अटैच कर सकते हैं। बस इससे फ़ोन होल्डर निकाल लेना है और उसकी जगह GoPro का माउंट लगा देना है। और सबसे बढ़िया बात, यह हेलमेट माउंट आप कभी भी उतार सकते हो और कभी भी लगा सकते हो। आपको परमानेंटली आपके हेलमेट पे कोई माउंट फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये हेलमेट माउंट मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। ये हेलमेट माउंट मैंने 419 रुपये में ख़रीदा है अमेज़ॉन से।
इसके लिए ये प्राइसिंग मुझे फेयर लगी। लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा कॉस्टली ये मिल रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा वेट कीजिए सेल के लिए, क्योंकि इसके लिए इससे ज्यादा प्राइसिंग देना मुझे फेयर नहीं लगता। बाकी मैंने इसे अमेजोन पे 5 out of 5 रेटिंग दे दी है। मुझे ये हेलमेट माउंट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।